संत थॉमस स्कूल मॉल खरोदा से 10 बच्चों का नवोदय केंद्रीय विद्यालय में चयन। वहीं 10वीं एवं 12वीं कक्षा में 9 बच्चे उत्कृष्ट नंबरों से उत्तीर्ण। संत थॉमस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालखरोदा से 5वीं क्लास के 10 बच्चों का नवोदय विद्यालय चिस्दा केंद्रीय विद्यालय में चयन हुआ है, जिससे बालकों में हर्ष व्याप्त है। साथ ही 10वीं 12वीं के 9 बच्चे उत्कृष्ट नंबर लाकर क्षेत्र के साथ साथ विद्यालय का नाम रोशन किया है। जिला जांजगीर चांपा में संत थॉमस स्कूल का नाम विख्यात है। यहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। सर्व सुविधा युक्त विद्यालय, भवन योग्य, प्रशिक्षित अनुभवी स्टाफ, न्यूनतम शुल्क, उत्कृष्ट योजना, सैनिक स्कूल में प्रतिवर्ष चयन, सर्व सुविधा युक्त लैब एवं पुस्तकालय, सुरक्षित वाहन, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास, कंप्यूटर क्लास, ड्राइंग पेंटिंग क्लास, सीसी कैमरा द्वारा सतत निगरानी, CBSE पैटर्न शिक्षा पद्धति संचालित कर इस वर्ष 92.5% 10वीं में टॉप रिजल्ट प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन हुआ। यहां से सैनिक स्कूल में भी चयन हो चुका है। संत थॉमस स्कूल जिले में अपना परचम फहरा चुका है। विद्यालय के प्राचार्य श्री विजय लॉरेंस बताते हैं कि लॉकडाउन के बावजूद हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या में वृद्धि होगी। हर वर्ष बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां के अनुशासन और शिक्षण से लोग प्रभावित होकर पालक अपने बच्चों को यहां भर्ती कर रहे हैं। प्रतिवर्ष यहां से नवोदय विद्यालय में चयन होता है। पिछले वर्ष 13 बच्चों का चयन हुआ था। यहां सभी प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पढ़ाई की जाती है, इसलिए यहां का नाम दिनों दिन फेमस होता जा रहा है। इस साल हमारे संत थॉमस हायर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 5वीं के 10 बच्चों का नवोदय विद्यालय में चयन हुआ और पिछले साल 13 बच्चों को हुआ था। इसको इस बात ही प्रतिवर्ष 5 से 8 लोगों का चयन होते आ रहा है। ये हमारे सम्मानित ऊर्जावान शिक्षकों के लिए मैं देना चाहता हूँ। हमारे शिक्षक साथी बहुत ही मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, वैश्विक समस्या है, इसमें सभी के जीवन जो अस्त व्यस्त हो चुका है, सभी मायूस है, सभी का काम धंधा जो है प्रभावित हो चुका है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होते जा रही है। रुझान तो अच्छा है सर, फोन के माध्यम से संपर्क में है रहने के लिए, लेकिन डायरेक्ट संपर्क करने अभी कोई नहीं आ रहा है लॉकडाउन की वजह से। और हम लोग का योजना है सर, बालक यदि सहयोग करेंगे और तो हम ऑनलाइन पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास अभी एंड्रॉयड मोबाइल नहीं रहता है। गांव एरिया से आते हैं हमारे बच्चे, जहां नेटवर्किंग का भी प्रॉब्लम रहता है। इस क्षेत्र में और अपने विद्यालय हैं, लेकिन अन्य विद्यालयों की अपेक्षा यहाँ की अच्छी पढ़ाई और अनुशासन है सर, और यहाँ बच्चों से जल्दी जाने वाली शुल्क है वो भी न्यूनतम अन्य स्कूल की तुलना में।